गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ करे, क्या करे, कैसे हो रहा समझ में नहीं आ रहा। अचानक आया, बोला 10 रूम खाली करो। अच्छा, पहले सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं दी भैया? इनका कहना है कि इनको पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। बता दिया सर, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था, बताना था इनको सब कुछ करना था कि भाई ऐसा है, कोई प्रॉब्लम दिखानी थी। बुरा तो लग रहा है सर, अचानक से आया और हटवा दिए, कोई नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं। वोकल टीवी जनमुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। रायपुर स्मार्ट सिटी में जो है जमीन अतिक्रमण को लेकर लगातार इसमें नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें जो कह सकते हैं कि पंडरी रोड से जो जोड़ता हुआ मार्ग है नारायणा हॉस्पिटल के बगल का, वहां पर जो है बेजा कब्जा, जहां पर दुकान चलाया जा रहा था, उसको जो है नगर निगम के द्वारा हटवाया जा रहा है और नगर निगम की बड़ी कार्रवाई इसमें सामने आ रही है। हमारे साथ जो अधिकारी वो मौजूद हैं। भैया, किस तरीके की जो है क्यों नहीं अधिकार हम लोग का, तो यहाँ हटवा रहे हैं आप, इतना तो बताइए। जोन कमिश्नर से बात करिए। जोन कमिश्नर, आपका क्या नाम है? सुशील अहिर। सुशील, इनका कहना है कि हम बात नहीं करेंगे, बस काम करेंगे, तो जो है बात करने से बच रहे हैं। लेकिन जो है इस तरीके की अचानक जो कह सकते हैं कि नगर निगम का इतना, इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे सामने आ रही, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और निश्चित तौर पर जो है सड़क किनारों पर जो है अतिक्रमण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, रायपुर में यह लगातार देखने को मिल रहा है। आप आसपास के रहने वाले? ठेला है मेरा। फिर आपका ठेला है? हाँ, ठेला हटाया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? वो प्रशासन को जरूरत है, नगर निगम को जरूरत है किसी प्रकार का। कैसे करेंगे अब अपना रोजगार? रोजगार तो अभी फिलहाल बंद हो गया है, कहीं ना कहीं व्यवस्था करना पड़ेगा, कोई दूसरी रोजी रोटी का। सूचना दी गई थी? नहीं, सूचना नहीं, अनाउंसमेंट हुआ था मेरे ख्याल सवेरे जो है, पता चला था। हाँ, अनाउंसमेंट हुआ था, फिर एक दूसरे के कांटेक्ट से पता चला कि आज नगर निगम की कार्रवाई हो रही है। आपने सामान वगैरह हटा लिया? हाँ, सामान वान हटा लिए हैं। अच्छा। और बराबर नगर निगम के लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, हटवाने में भी किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती या दबाव ऐसा नहीं है। अच्छा। चाय ठेला लगाते थे? चाय की दुकान थी मेरी। आपका भी दुकान था? बताइए दीदी, आपका यहाँ पे दुकान था ना? जी सर। कैसे देख रहे हैं आप, पूरा हटा दिया गया? क्या करें भैया, हटा दिए पूरा, देखो अभी कहाँ दुकान लगाएंगे आप? अब बात नहीं पूछेंगे भैया, आपको कुछ नहीं। तो हम लोग का धंधा पानी खत्म हो गया, गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ करे, क्या करे, कैसे हो रहा समझ में नहीं आ रहा। अचानक आया, बोला 10 रूम खाली करो। अच्छा, पहले सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं दी? नोटिस तो देना चाहिए था ना? कुछ नोटिस कोई नहीं दिया है। 10 मिनट हटा लो तो तोड़ फाड़ के तोड़ देंगे उसको, सीधा सीधी तोड़। हमको अचानक भयानक चावल उधर रोड में जाके बेच रहे हैं। अच्छा, तो अभी मतलब इससे पहले कब? कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं बोले हम लोग, हटाओ 10 मिनट में खाली करो। ठीक, इनका कहना है कि इनको कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि अधिकारियों से हमने बातचीत की। भैया, इनका कहना है कि इनको पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। बता दिए सर, इनका कहना है कि 10 मिनट पहले आए और सबको अनाउंस कर दिए। कब बताया गया था? कल परसों से अनाउंसमेंट चल रहा है। कल परसों से? हाँ, 2-3 दिन तो देंगे भैया। अच्छा, क्योंकि जो यहाँ पर जिनका दुकान था उनका साफ तौर पर कहना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, 2-3 दिन से बता रहे हैं सबको। यहाँ पे दो बातें सामने आ रही है, एक जो दुकान लगाया है उनका कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया था, 10 मिनट पहले आकर कहा गया कि खाली कराया गया। वहीं दूसरी ओर जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 3 दिन पहले बताया गया था। अब और भी लोगों से यहाँ पर जो जिनके दुकान है उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में इनको पहले से सूचना दिया गया था या फिर जो है अचानक जो है नगर निगम की इतनी बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। आपका क्या नाम है? रवि। रवि, क्या करते हैं भैया? मैं सीए ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है जो हटाया गया है सही है गलत? भाई, गरीब लोग आदमी है, कमाने का जरिया था, कमाने का जरिया था, वो चला गया हाथ से, आप बेचारे कहीं देखेंगे, अपना इंतजाम बनाएंगे। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था, बताना था इनको सब कुछ करना था कि भाई ऐसा है, कोई प्रॉब्लम दिखानी थी, या तो आप लोग को सूचना देनी थी कि भैया इनको हटाना है, कोई ऐसा लीगल काम करना चाहिए था। अब आप जिनकी इच्छा जैसी है तो उन्होंने दिखा दिया, नहीं होना था। मगर गरीब आदमी देखो, अब दुकान ही बनाएंगे अपना, व्यवस्था कमाने का जरिया, खाने पीने का। बताओ कैसा लग रहा है दुकान हटाते? बुरा तो लग रहा है सर, अचानक से आया और हटवा दिए, कोई नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं, एकदम से कहना चाहे 10 मिनट बाद दुकान खाली करो बोले, उसके बाद तुरंत ही हटवा दिए। आपने देखा, निश्चित तौर पर जो है लोगों का कहना है
कि अधिकारियों का कहना है कि 3 दिन पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन सरासर यह बात यहाँ पर झूठ साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ जिनका दुकान लग रहा था उनका कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, अचानक 10 मिनट पहले अधिकारियों के द्वारा आया गया और उन्हें यह कहा गया कि आपको जो है इसको हटाना पड़ेगा। और दूसरे तरीके से जो है बताया जा रहा है, कहानी गढ़ी जा रही है कि 3 दिन पहले नोटिस दिया गया था या उन्हें सूचना दी गई थी, जबकि एक तरह से कह सकते हैं कि गरीबों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हटाना ही था तो पहले पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ रहने वाले जिनका दुकान चल रहा था उन पर कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है, और जो गरीब जो परिवार यहाँ पर पल रहा था उनका कहीं ना कहीं रोजगार जो है छीना जा चुका है। अब ये उनके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि वापस से जो है वह रोजगार, उनका जीवन यापन होता था, दैनिक कुछ कमाई होती थी जिससे घर चलता था, वह छीना जा चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि उनको रोजगार के अवसर क्या नगर पालिका निगम मुहैया कराती है या फिर इसी तरह वो भटकते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर छत्तीसगढ़।